हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ लेक्चर में हमने देखा कि हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ा सबसे पहले, और इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़े, और हमने देखा कि किसी भी जो इकोसिस्टम होता है, जो इकोलॉजी होती है, उसकी बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं और इकोसिस्टम के यूनिट्स क्या होते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं। और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे आज, और आज हम पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ेंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हम देखते आए हैं कि अलग अलग पॉपुलेशन बेसिकली होता क्या है, बहुत ही स्पीशीज, जब एक स्पीशीज का ग्रुप जब मिलता है तो उसको एक स्पीशीज का पॉपुलेशन कह देते हैं। पॉपुलेशन को हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम पूरी दुनिया की पॉपुलेशन देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये इंडिया की पॉपुलेशन है। अगर हम उत्तराखंड की पॉपुलेशन सेंसस होती है, जब 2011 में हुई थी, 10 साल में जब पॉपुलेशन सेंसस होती है तो उसमें हम जनगणना करते हैं। तो इसी तरीके से हम एनिमल्स की भी गणना करते हैं, एनिमल्स की एनिमल सेंसस भी करते हैं। और एनिमल सेंसस जो एनिमल्स का अबंडेंस है, नंबर है, वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो ये डिफाइन करेंगे कि एक पॉपुलेशन का वो एक एनवायरनमेंट जो है वो उसके लिए स्टेबल है या नहीं है, और उसके हैबिटेट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो आपस में कैसे इंटरेक्शन करते हैं। ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जिनके बारे में हम कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि ये कैसे आपस में एक पॉपुलेशन लेवल पर ये कैसे अफेक्ट करते हैं दूसरे को, तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। क्योंकि शुरू से हमने देखा है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया कि जब स्पीशीज मिलती हैं तो वो पॉपुलेशन बनाती हैं, पॉपुलेशन मिलती है तो कम्युनिटी बनाती है, और जब कम्युनिटीज मिलती हैं तो वो एक इकोसिस्टम बनाता है, और जब इकोसिस्टम्स मिलते हैं तो वो एक बायोम बनाता है, और जब बायोम्स मिल जाते हैं तो वो एक बायोस्फीयर बनाता है। तो बायोस्फीयर पूरा यानी कि ऐसा स्फीयर जहाँ पर लाइफ फॉर्म है, पूरा अर्थ एक बायोस्फीयर है। तो आज हम एक दूसरा कंपोनेंट पकड़ने वाले हैं इकोलॉजी के अंदर। इकोसिस्टम हमने पहले किया है, आज हम पकड़ने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी को। तो हम देखेंगे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से कंपोनेंट्स को ये मानते हैं पूरे वैज्ञानिक कि ये लोग बहुत, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इन पैरामीटर्स को ये डिफाइन करती हैं, जो पैरामीटर कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, और अगर पॉपुलेशन किसी की ज़्यादा हुई, किसी की कम हुई, और उनमें आपस में रिलेशन क्या है नंबर्स में, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं आज। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पिछले लेक्चर को पहले रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने इकोसिस्टम इकोलॉजी पढ़ी थी, और हमने देखा था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, और पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं, कम्युनिटीज जब मिल जाती हैं तो वो एक इकोसिस्टम बनाती हैं, फिर वो बायोम बनाता है, और पूरा बायोम जब मिल जाती हैं पूरी पृथ्वी के तो उसको हम एक बायोस्फीयर कहते हैं। तो पिछले बार हमने इकोसिस्टम इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। आज इसके अलावा हमने उसके अंदर देखा था कि फूड चेन्स और फूड वेब में क्या डिफरेंस है, और ये कैसे बनती हैं, ये कैसे आपस में रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में भी जाना था कि बेसिकली ये तीन प्रकार की होती हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा अपराइट क्यों होता है, और कितने टाइप के पिरामिड शेप होते हैं, अपराइट होता है, इन्वर्टेड होता है, स्पिंडल शेप होता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है, इसके की फीचर्स क्या हैं, इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं एक पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन पिरामिड्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स और उनके फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हैं, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर कौन कौन से हैं, और लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी भी पढ़ेंगे, जो आर और के सिलेक्शन, जिसमें कि बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने देखा कि पॉपुलेशन यहाँ पर है, और पॉपुलेशन इकोलॉजी जो होती है वो डील करती है अलग अलग फैक्टर्स के, जो पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन की साइज, ग्रोथ और डेंसिटी को मैटर करता है। यानी कि एक जो पॉपुलेशन इकोलॉजी होती है वो उन फैक्टर्स की स्टडी करती है जो एक पॉपुलेशन की साइज, ग्रोथ और डेंसिटी या दूसरे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है,
उन फैक्टर्स की स्टडी ये करता है। अब पॉपुलेशन किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे इंडिविजुअल या फिर कहिए कि एक टाइप के स्पीसीज जब मिल जाते हैं तो उसको हम एक पॉपुलेशन कहते हैं, और वो किसी स्पेसिफिक एरिया में हो सकते हैं। और एक इनकी एक प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपस में इंटरब्रीड करती हैं पॉपुलेशंस। जैसे मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन पॉपुलेशन है तो वो आपस में इंटरब्रीड करेगी, अगर मान लीजिए किसी एरिया में हॉर्स की पॉपुलेशन है तो वो आपस में इंटरब्रीड करेगी, तब हम कहेंगे वो एरिया की हॉर्स पॉपुलेशन इतनी है। डेमोग्राफी एक टर्म और आता है, डेमोग्राफी पॉपुलेशन की स्टडी होती है, लेकिन इसको स्टैटिकल, ये पॉपुलेशन की स्टैटिकल स्टडी होती है जिसमें हम अलग अलग स्टैटिक्स बनाते हैं। जैसे आपने देखा कि देखा होगा कि 10-10 साल में हमारे देश में जनगणना होती है, तो उसके बाद जो डेटा होता है, डेमोग्राफिक डेटा कहते हैं उसको, वो डेटा रिलीज किया जाता है, तो उसमें हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, उनकी पॉपुलेशन से लेकर, मेल फीमेल रेशियो से लेकर, और उनकी लिटरेसी लेवल से लेकर, चाइल्ड बिलो 0 to 6 ईयर्स, ये सब चीज़ें हम डेमोग्राफी में देखते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी दुनिया का 17.9% जो भाग है वो पॉपुलेशन का वो भारत में रहता है, इस वर्ष के अनुसार है ये, और चाइना में जो है 18.5% हिस्सा रहता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये एक इंडियन पॉपुलेशन हो गई कि इंडिया में पॉपुलेशन क्या है। और अगर हम इंडिया के अंदर भी देखें तो इसको हम फिर अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, तो इस तरीके से भी हम पॉपुलेशन को देख सकते हैं। और पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो होता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, वो होता है एक, ये एक लाइफ साइंस की ब्रांच है जो कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो चेंजेस होते हैं पॉपुलेशन में उनकी स्टडी करता है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स के बेसिकली तीन की फीचर होते हैं, साइज, डेंसिटी और डिस्पर्सन। सबसे पहले हम साइज से शुरू करते हैं। साइज क्या होता है, किसी पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स हैं उसको हम उसका साइज कहते हैं, और ये एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पर एक पॉन्ड है और कुछ दूरी पर एक दूसरा पॉन्ड है और दोनों में एक ही स्पीसीज ऑफ फिशेस हैं, लेकिन दोनों की पॉपुलेशन क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, और ये एक ही हैबिटेट के अंदर भी अलग अलग हो सकता है, उनके अलग अलग नीच हो सकते हैं, तो उसके अंदर वो अलग अलग उनकी पॉपुलेशन भी, अलग अलग टाइप ऑफ स्पीसीज भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए फिशेस की स्पीसीज अलग होगी और मान लीजिए प्लैंकटन्स हैं तो उनकी स्पीसी, उनकी उनके नंबर अलग होंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि साइज जो होता है वो मैटर करता है, कि साइज होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने एक पॉपुलेशन के अंदर है। अब इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो निकालते हैं, वो निकालने का तरीका है कि नेटेलिटी, यानी कि आपका जो बर्थ रेट है, जितने आपके ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो रहे हैं उसमें से अगर हम जितने लोग, जितने ऑफस्प्रिंग्स, जितने इंडिविजुअल्स मर रहे हैं उसको मॉर्टेलिटी कहते हैं, और जो जन्मदर होती है, बर्थ रेट होता है, उसको नेटेलिटी कहते हैं। इनको डिडक्ट कर दें, इनको नेटेलिटी में से मॉर्टेलिटी को घटा दें, और एवरेज पॉपुलेशन इन टाइम इंटरवल, उस टाइम पर जो एवरेज पॉपुलेशन है उससे अगर उसको विभाजित कर दें तो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आ जाता है। इसको हम इस फॉर्मूले से भी दिखा सकते हैं, GR = N/T, जहां पर GR तो आपका ग्रोथ रेट हो गया, N आपका जो है वो टोटल पॉपुलेशन साइज है, जो कि इन ये बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस से आ रहा है, और टाइम क्या हो गया आपका, टाइम इंटरवल हो गया। और अगर हम नेचुरल इंक्रीज देखना चाहते हैं कि नेचुरली कितना इंक्रीज हुआ है, तो जितने इंडिविजुअल्स आपके जन्मे हैं और उसमें से आपको घटाना पड़ेगा कि जितने आपके, जिनकी मृत्यु हो गई है, जितने इंडिविजुअल्स की। पॉपुलेशन पिरामिड इसी का एक भाग है, साइज का देख लेते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड वैसे तो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, एक्सपेंसिव, स्टेशनरी और कॉन्ट्रैक्टिव, लेकिन एक्सपेंसिव फिर दो प्रकार का हो सकता है, जिसमें कि एक, जैसे ज्यादातर जो ट्राइबल्स में, या मैंने नीचे एग्जांपल भी दे रखे हैं, अगर आप देखें कि नाइजर में, हैती में, मोरक्को में और ऑस्ट्रेलिया में, ये चार प्रकार के मैंने पिरामिड दे रखे हैं। इसमें अगर आप देखें कि जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो दिखाती है कि वो कितने इंडिविजुअल्स हैं। इसमें दो कलर आपको दिख रहे हैं, एक नीला है एक लाल है, एक तरफ मेल्स को दिखाया जाता है और एक तरफ फीमेल्स को। तो लाल वाला जो है वो आपका फीमेल्स है और जो नीला वाला है वो आपके मेल्स हैं।
तो जैसे हम अगर पहले वाले पिरामिड को देख लेते हैं कि नीचे वाले जो कॉलम्स रोज हैं वो ज्यादा चौड़े हैं और ऊपर वाले कम है, ये क्या दर्शा रहा है कि नीचे जितने लोग हैं पॉपुलेशन में, अगर इसकी एक्स एक्सिस देखें हम, प्राइमरी एक्सिस जो है बाई तरफ में ऊपर को, तो उसमें हम ये देखते हैं वाई एक्सिस में कि वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है आपका कि किस एज क्लास में है। जैसे मैंने कहा 5 से 10 साल में कितने हैं, 10 से 15 कितने हैं, 15 से 20 कितने हैं, तो 0 से शुरू करते हैं और 100 साल तक ह्यूमन बींग्स के लिए जा सकते हैं हम, 100 से ऊपर भी जा सकते हैं अगर इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं तो। जैसे हमने पहला पिरामिड देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो नीचे वाले बेस हैं वो चौड़े हैं और ऊपर को जाकर ये संकरा होता जा रहा है, तो ये दिखाता है कि जो नीचे की पॉपुलेशन है जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है और जो डेथ जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम है, और जो ऊपर की पॉपुलेशन है यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है इस पॉपुलेशन में। तो इस तरीके से अगर हम दूसरे को देखें तो इसमें हमको दिखाई देता है कि इसके जो साइड साइड्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं और इसमें हाई बर्थ रेट होता है और जो डेथ रेट होता है वो कम होता है, और इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक्सपेंसिव में जो नीचे की पॉपुलेशन है यानी कि छोटे उम्र की पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती है, और कम उम्र की पॉपुलेशन क्या होती है, वो कम होती है, छोटी उम्र की ज्यादा होती है और ज्यादा उम्र की कम होती है। तीसरा आ गया स्टेशनरी, ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इसके साइड्स होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्वेक्स साइड्स होते हैं, और इस स्टेशनरी पॉपुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना बढ़ रही है ना घट रही है, तकरीबन बराबर की जितने हैं लोग उतनी ही पॉपुलेशन तकरीबन तकरीबन नीचे को आ रही है। इसमें डेथ रेट कम होती है और बर्थ रेट भी कम होती है, वो घट रही होती है, और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा होती है। आजकल जो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज और बाकी चीजें आ गई हैं इनसे क्या हो रहा है कि लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जा रही है। आखिरी वाला है कॉन्ट्रैक्टिव टाइप, इसके साइड्स कॉन्वेक्स होते हैं और इसकी जो बर्थ रेट है वो बहुत कम होती है। देखेंगे आपके नीचे बुनियाद की तरफ घटता जा रहा है, तो नीचे जो युवा पीढ़ी है जो बच्चे हैं वो कम हैं, जो मिडिल एज लोग हैं वो ज्यादा हैं, और दोबारा से जो ऊपर ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी संख्या कम है। तो पॉपुलेशन पिरामिड जो डेवलपिंग कंट्रीज का अगर हम देखें कि सबसे नीचे जो होता है इसको कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज या प्री रिप्रोडक्टिव क्लास, कि ये क्या है आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि दाई साइड जो एक्सिस दिखाई गई है आपको वो एज ग्रुप की है, अलग अलग एज ग्रुप है 0 से 4, 15 से 19, 25 से 29, तो ये अलग अलग एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, और जो हरा वाला है वो आपकी फीमेल्स हैं और जो लाइट कलर का है बाई तरफ वो आपके मेल्स को दर्शा रहा है, और नीचे जो एक्स एक्सिस है वो परसेंटेज इन एज क्लास है, कितने परसेंट लोग उस एज क्लास में हैं। तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद जो बीच वाला फेज होता है उसको रिप्रोडक्टिव कहते हैं क्योंकि ये मिडिल एज लोगों का ग्रुप है, और जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है, ये बुजुर्ग हैं किसी भी पॉपुलेशन के। तो ये जो आपने इकोलॉजिकल पिरामिड आप देख रहे हैं ये एक डेवलप्ड कंट्री का है। अगर आप डेवलप्ड कंट्री के पिरामिड को देखें तो इसमें आप पता चलता है कि इनकी जो नीचे की पॉपुलेशन है वो क्या है, पहले वाला जो था ये वाला डेवलपिंग कंट्री का था क्योंकि इसमें नीचे की पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, और अगर आप ये देखें तो ये क्या है, डेवलप्ड कंट्री की है। डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, ऊपर से नीचे तक की जो पॉपुलेशन होती है वो तकरीबन तकरीबन बराबर होती है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड है, पहला एक्सपेंडिंग हो गया जो डेवलपिंग कंट्रीज में जिसमें रैपिड ग्रोथ होती है, दूसरा स्टेशनरी है जिसमें स्लो ग्रोथ होती है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, अमेरिका, और तीसरा कॉन्ट्रैक्टिंग है जीरो ग्रोथ डिक्रीज जैसे इटली है। भारत की कौन सी है, भारत की पहली वाली है जो कीनिया का है, ऐसी ही भारत की पॉपुलेशन है, और ऐसी ही जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ज्यादातर उनकी पॉपुलेशन ऐसी ही होती है। अब आप बताइए कि इसमें इन दोनों इकोलॉजिकल पिरामिड्स में कौन सा पॉपुलेशन क्या है, जैसे फ्रांस है तो हम देखते हैं कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन मिडिल एज और लोअर एज जो है वो तकरीबन बराबर है, तो ये कौन सी हो गई, ये स्टेशनरी हो गई। भारत की जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये क्या है, ये एक्सपेंडिंग है।
अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। अभी तक हमने साइज की बात करी, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? जैसे आपको पता है घनत्व किसी भी जनसंख्या का पर यूनिट एरिया कितना या पर यूनिट वॉल्यूम कितनी जनसंख्या है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। इसको जो निकालने का तरीका है वो सिंपल है कि आप जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसको डिवाइड कर दीजिए यूनिट ऑफ स्पेस। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2000 लोग हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका डेंसिटी। अगर हम भारत की डेंसिटी देखें तो ये इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि जो डार्क कलर्स हैं वहां पर क्या हो रहा है, आपकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो ये एक डेंसिटी मैप है कि अलग अलग जितनी डार्कनेस बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी बढ़ती जा रही है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जहां जहां शहर हैं वहां वहां क्या है पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है, और जहां जहां देहात के इलाके हैं या जो इंटीरियर जंगल के इलाके हैं वहां डेंसिटी कम है। ये ह्यूमन पॉपुलेशन की बात है। अब जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उसको चार फैक्टर ऐसे होते हैं जो उसको जिसके कारण उसमें अफेक्ट्स आते हैं। पहला है इमाइग्रेशन और दूसरा है ई माइग्रेशन। इन दोनों में बहुत फर्क है, दोनों उल्टे शब्द हैं। इमाइग्रेशन जो होता है, इमाइग्रेशन का मतलब होता है जब एक पॉपुलेशन से कोई स्पीशीज निकल के दूसरी पॉपुलेशन में चली जा रही है, या इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन से निकलकर दूसरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या दूसरी पॉपुलेशन में चले जा रहे हैं तो उसको हम इमाइग्रेशन कहते हैं। और अगर मान लीजिए वो स्पीशीज कहीं और से आकर आपकी पॉपुलेशन आगे जुड़ रही है तो उसको इमाइग्रेशन कहते हैं। आपको याद होगा कि अगर हम कहीं की पॉपुलेशन निकालते हैं तो हम देखते हैं माइग्रेशन रेट क्या है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स के अंदर हम देखते हैं, ये डेमोग्राफी के अंदर देखा जाता है कि माइग्रेशन रेट क्या है। इमाइग्रेशन जिसको कि हम आउट माइग्रेशन भी कहते हैं, और इमाइग्रेशन को हम इन माइग्रेशन भी कहते हैं। इसको याद करने का अच्छा तरीका यही है कि इमाइग्रेशन इन माइग्रेशन। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, कि अगर किसी पॉपुलेशन में किसी स्पीशीज की एबंडेंस ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, या मान लीजिए उस पॉपुलेशन का जो है कोई बायोटिक फैक्टर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वहां कम या ज्यादा है, तो उससे क्या होगा कि उस एरिया की पॉपुलेशन में भी फर्क पड़ेगा। आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। अगर मान लीजिए एक एरिया में बहुत ज्यादा शेर है और हिरण की संख्या कम है तो फूड चेन कैसे इफेक्ट होगी? उनमें क्या होगा, आपस में जो शेर है उनमें आपस में कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा खाने के लिए, पानी के लिए, टेरिटरी के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर एक ही भी पॉपुलेशन फूड चेन में गड़बड़ाती है, ऊपर नीचे होती है, तो उससे क्या होता है दूसरी स्पीशीज को भी फर्क पड़ने लगता है। इसके और इफेक्ट्स क्या है कि इसके हेल्थ इफेक्ट है कि इससे डिजीज उनके वो है, प्रेडेशन है। तो इस तरह की चीजें इससे होती हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। आप जैसे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई है कि एक एग्जांपल है कि जो स्नोस्टो हेयर है, जो खरगोश है उनकी, और जो लैनेक्स है, इन दोनों की पॉपुलेशन में ग्राफ दिखाया गया है। जो काला वाला है वो स्नोसो हेयर का है, खरगोश का है, और जो लाल वाला है वो लैनेक्स का है। तो देखते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, घटती है एक की, तो दूसरे की पॉपुलेशन में भी फर्क पड़ने लगता है। तो इस तरीके से खाली इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए एक प्रे है, एक प्रीडेटर है, एक शिकार है, एक शिकारी है, शिकार की संख्या बढ़ेगी तो उसका फर्क भी शिकारी पर पड़ेगा, और शिकारी की बढ़ेगी तो उसका फर्क भी शिकार पर पड़ेगा। चौथा जो होता है जिससे कि जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, उसको कहते हैं हम डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है या नंबर कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ड्रॉट है, सूखा है, ये अबायोटिक फैक्टर्स है, तो सारे किसी भी एरिया में कितने एनिमल्स हैं इसका ड्रॉट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्रॉट को आना होगा तो वो आएगा। इसी तरीके से वेदर है, क्लाइमेट चेंज है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स के। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? जैसे मान लीजिए भविष्य में क्या इसकी जनसंख्या होगी, तो इसमें बेसिकली चार आपके फैक्टर्स आते हैं। एक आता है नेटेलिटी, जिसको हम बर्थ रेट भी कहते हैं। एक आता है इससे क्या होगा, नेटेलिटी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, मॉर्टेलिटी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन घटेगी, डेथ रेट ज्यादा लोग मरेंगे तो ऑटोमेटिक पॉपुलेशन कम होगी।
इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन यानी कि लोग अंदर आ रहे हैं, इमाइग्रेशन मैंने आपको याद कराया था, इनमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन तो इमाइग्रेशन मतलब लोग जुड़ रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, इमाइग्रेशन एग्जिट, इमाइग्रेशन बाहर जा रहे हैं लोग पॉपुलेशन से तो क्या होगा वो पॉपुलेशन घटेगी। अब तीसरा जो फीचर है पॉपुलेशन का वो पढ़ते हैं डिस्पर्जन। बेसिकली ये तीन टाइप का होता है, क्लम्ब्ड, इवन या जिसको हम यूनिफॉर्म भी कहते हैं, और रैंडम। तो डिस्पर्सन होता क्या है, ये दिखाता है कि जो स्पीशीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उनकी स्पेसिंग कैसी है आपस में उन पॉपुलेशंस की। जैसे मान लीजिए ये है क्लम्ब्ड वाला जो होगा वो, जैसे आप देखिए ह्यूमन पॉपुलेशंस वो क्लम्ब्ड होती है, शहर होते हैं कहीं पर, एक फिक्स शहर होते हैं उसी के चारों ओर लोग रहते हैं, फिर खाली जगह मिलेगी, फिर आगे जाएंगे दूसरा गांव या शहर मिलेगा, तो ये लोग क्या रहते हैं, क्लम्ब्ड रहते हैं। इवन होता है यूनिफॉर्म, जैसे अभी मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगा इवन के भी, जहां पर कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पॉपुलेशन। और रैंडम होता है, जैसे अगर आप जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि पेड़ पौधों को, तो सब रैंडमली श्रब्स को देखिए, हर्ब्स को देखिए, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो एक ही जगह पर सारे के सारे। तो जैसे देखा हमने कि क्लम्ब्ड में, जैसे देखा हमने मछलियों का बहुत बड़ा एग्जांपल है, बहुत सी ऐसी सी फिशेस होती हैं जो क्लम्ब्ड पॉपुलेशन होती हैं, गुच्छ में रहती हैं। यूनिफॉर्म में आपने देखा पेंगुइन्स का, और रैंडम जो होता है उसमें जैसे मैंने आपको बताया था अभी फॉरेस्ट में, इकोलॉजी में, कि ग्रासलैंड का, फॉरेस्ट का देख लीजिए आप। और कौन से फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन को ग्रोथ, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, तो उनको हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं, कोई बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर जो कि एक ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस को रेस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा, उनको हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट में। जैसे पानी की कमी या पानी बहुत आयत में, तो इसमें क्या होगा, पानी की कमी होगी तो वहां कम पॉपुलेशन मिलेगी, पानी की अगर ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन वहां ज्यादा होगा। अमाउंट ऑफ फूड, अच्छा खाना होगा बहुत अच्छी मात्रा में होगा तो बहुत एनिमल मिलेंगे, कम मात्रा में होगा तो कम एनिमल मिलेंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी एक लिमिटिंग फैक्टर है, टेम्परेचर ज्यादा कम या फेवरेबल है कि नहीं है, ये सब हैबिटेट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर और पॉपुलेशन के अंदर, जो इकोलॉजी है उन सब के ये पैरामीटर्स हैं। अब लिमिटिंग फैक्टर्स का क्या फर्क पड़ता है, अगर आप देखें कि अगर लिमिटिंग फैक्टर्स, जब कोई भी पॉपुलेशन होती है उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या होता है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है बहुत, और जब लिमिटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं तो वहां पर जब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म जाएंगे तो वहां लिमिट होने शुरू हो जाएगा, सबके लिए रिसोर्स रेस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगा, रिसोर्सेस कम होने शुरू हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी जनसंख्या फिर घटने लगेगी, और एक दिन जब खत्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल नन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ चलती है। इसके अलावा दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो पॉपुलेशन का मैक्सिमम साइज जो कि वहाँ एक किसी क्षेत्र में जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वो सपोर्ट कर सकते हैं, कितना पानी है, कितना भोजन है और बाकी चीज़ें भी। तो हर एक हैबिटेट की, हर एक पॉपुलेशन की, हर एक इकोसिस्टम की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है जिससे ज़्यादा वो वहन नहीं कर सकता है। पृथ्वी की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है, तो वहां पर जो है हो सकता है कि बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे हैं, एनवायरमेंटल रिसोर्सेस जो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ऐसा है कि द पॉपुलेशन साइज, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जिसको कि कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया में जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम पॉपुलेशन कर्व्स की बात करें तो बेसिकली दो टाइप के कर्व होते हैं पॉपुलेशन के, एक जे कर्व होता है और एक एस कर्व होता है। जे कर्व को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पॉपुलेशन जब बढ़ती है, उसकी जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो अपनी बायोटिक पोटेंशियल की ओर बढ़ता है, वो एकदम से उसकी पॉपुलेशन ऊपर को जाती है, सीधे बढ़ती रहती है उसकी पॉपुलेशन और डेथ रेट बहुत कम हो जाती है। और जो एस कर्व होता है, एस कर्व में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है वो ग्रेजुअली लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, उसमें सीधे सीधे बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगा एकदम से, वो धीरे धीरे वो पॉपुलेशन बढ़ती है। और जब कैरिंग कैपेसिटी पहुंच जाती है तो वहां पर वो पॉपुलेशन क्या होगी, वो वहां पर स्टेबल हो जाएगी।
अब जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस होते हैं वो पॉपुलेशन के साइज में वेरिएशन लाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉपुलेशन क्योंकि स्टेबल तो होती नहीं है, वो सारे फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा। तो जैसे मान लीजिए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है तो वो क्या करेगा, कभी उसकी पॉपुलेशन बढ़ाएगा और कभी उसकी पॉपुलेशन घटाएगा। इसके अलावा मेटा पॉपुलेशन भी होती है। मेटा पॉपुलेशन में क्या होता है, माइग्रेशन बिटवीन मोर देन वन पॉपुलेशन, कि मेटा पॉपुलेशन में एक से ज्यादा जो पॉपुलेशंस हैं उनका माइग्रेशन भी आपस में चलता रहता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की बात करें कि ये ग्रोथ कर्व कब आता है, जब आइडियल कंडीशंस होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल से एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है आपका, ये बिल्कुल रियलिस्टिक मॉडल लगता है ग्रोथ का, क्योंकि इसमें क्या होता है पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक पैटर्न में बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है और कैरिंग कैपेसिटी पर आकर ये रुक जाती है। कैरिंग कैपेसिटी मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, एक इकोसिस्टम कितना सपोर्ट कर सकता है कितने इंडिविजुअल्स को, और बेसिकली ये डेंसिटी डिपेंडेंट होता है और या लिमिटिंग फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है ये। और जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो बहुत कॉमन होती हैं किसी भी पॉपुलेशन में। तो कैरिंग कैपेसिटी के बेसिकली तीन फेज होते हैं, स्लो ग्रोथ स्टेज, फास्ट ग्रोथ स्टेज, और कैरिंग कैपेसिटी पहुंच जाएगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन वहां पर स्टेबल हो जाएगी। स्लो ग्रोथ में देखिए आपकी बहुत धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, फास्ट ग्रोथ में पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होती है ऊपर को, और जब कैरिंग कैपेसिटी पहुंच जाएगी, जब लिमिटिंग फैक्टर आ जाएंगे, जब वो रिसोर्सेस हैं वो उनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे, लिमिट पे पहुंच जाएंगे कि वो इतनी ही पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी और पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। लाइफ हिस्ट्री पैटर्न्स के बारे में देखते हैं, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, आर स्ट्रेटेजी और के स्ट्रेटेजिस्ट। अगर हम देखें कि आर स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली इनकी लाइफ स्पेन जो होती है बहुत ही शॉर्ट होती है और इनके जो बॉडी साइज होता है वो भी छोटा होता है, ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे यंग वंस देते हैं। बेसिकली ज्यादातर ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, बहुत सारे हजारों अंडे दे दिए एक साथ में, लिटिल पेरेंटल केयर होता है, मैं अंडे दे दिए और फिर उसके बाद हैचिंग के लिए छोड़ दिए, बहुत कम होता है। एग्जाम्पल आपके कॉकरोचेस हैं, वीड्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ज्यादातर जो इंसेक्ट्स हैं जो एग लेइंग हैं वो सारे के सारे आपके आर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, क्योंकि इनकी लाइफ स्पेन भी छोटी है, जल्दी रिप्रोड्यूस भी करते हैं और बहुत सारे अंडे भी एक बार में ये देते हैं, तो इनको हम आर स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं। के स्ट्रेटेजिस्ट बिल्कुल इसका उल्टा है, जिनकी लाइफ स्पेन जो होती है बहुत लंबी होती है, जैसे मैमल्स की तो लाइफ स्पेन लंबी होती है, लार्ज बॉडी साइज होता है, बॉडी साइज इनका बड़ा होता है और नॉर्मली ज्यादातर केसेस में ये बर्थ देते हैं यंग वंस को, जितने भी मैमल्स हैं जैसे मैंने आपको कहा तो सारे के सारे के स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तो ये बहुत धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करते हैं का मतलब है कि इनका रिप्रोडक्शन फेज जो है वो बहुत देर में आता है और ये रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी स्लो होता है और बहुत ही कम इनके पास, मतलब कम बच्चे देते हैं, या एक या दो या चार इस तरीके के देते हैं, और इनके यंग वंस जो होते हैं ये नहीं होता है कि 1,000 अंडे एक बार में 1,000 बच्चे एक साथ दे दिए, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, अगर हम देखें कि आर स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम होता है। 1,000 अंडे दे दिए इसका मतलब ये नहीं कि 1,000 के 1,000 जिंदा रह जाएंगे, उनमें से कुछ 100 या कुछ 100 या कुछ 10, 20, 30, 40 ऐसे ही कुछ जिंदा रहेंगे, तो इसीलिए ये क्या करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में ये अंडे देते हैं। और जो के स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं ये इनको इनकी जो पेरेंटल केयर इनमें बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इनकी जो सर्वाइवल रेट है यंग वंस का वो बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन्स और एलिफेंट्स, और जैसे मैंने आपको और भी बताया बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं जो जिनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है। तो के स्पीसीज का और आर स्पीसीज का अगर हम ग्रोथ कर्व देखें तो बेसिकली के स्पीसीज का जो ग्रोथ कर्व होता है वो एक्सपोनेंशियल फेज होता है और एक कैरिंग कैपेसिटी आने के बाद वो वहां पर रुक जाएगा, लेकिन जो आर स्पीसीज होती है वो क्या होता है एकदम से बूम आता है और जब बर्थ होता है उसके बाद एकदम से उनकी सर्वाइवल रेट कम हो जाती है, बहुत कम लोग जिंदा रहते हैं, इसलिए वो क्या होता है एकदम से वो गिर भी जाते हैं, कैरिंग कैपेसिटी से भी नीचे आते हैं। अगर हम देखें तो तीन टाइप के हमने देखे कि जो ग्रोथ कर्व्स ये स्ट्रेटेजीज हैं
एक के सिलेक्शन हो गया, एक आर सिलेक्शन हो गया, और एक मॉर्टेलिटी कांस्टेंट वाला भी होता है, बीच वाला, जैसे नंबर दो टाइप टू आप देख सकते हैं, टाइप वन आपका ह्यूमन बींग जिसमें बना हुआ है वो लॉन्ग टर्म है, टाइप थ्री जिसमें क्या बोलते हैं, टाइप थ्री जो नीला वाला है आपका टाइप थ्री है, और जो बीच में आपको दिख रहा होगा एक बिल्कुल सीधी लाइन, तो वो क्या है, उनकी मॉर्टेलिटी कांस्टेंट होती है, जितने जन्म होंगे उतनी मरेंगे। जैसे हमने इकोलॉजिकल पॉपुलेशन पिरामिड्स में पढ़ा था, डेवलप्ड कंट्रीज का पॉपुलेशन पिरामिड आपने देखा होगा कैसा होता है, बिल्कुल स्टेबल होता है। तो इस किस्म की जो स्पीशीज होती हैं उनका, उनके लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उनका स्ट्रेटेजी उनकी होती है। अगर एवोल्यूशन देखें तो एवोल्यूशन हम देखते हैं कि जो एवोल्यूशन होता है वो एवोल्यूशन हुआ है वो बेसिकली आर से के की तरफ को हुआ है। जैसे जैसे स्पीशीज का लेवल बढ़ता जाता है, इनवर्टिब्रेट से हम वर्टिब्रेट्स की ओर आते रहते हैं, तो आर स्पीसीज जो होती है वो के में कन्वर्ट होती जाती है। तो इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। जैसे ओस्टिड्स से हम शुरू करते हैं कि ओस्टिड्स जो है इतने एक साल में तकरीबन 6 × 10⁻¹ अंडे देती है, और वैसी जो एक गिबॉन है या एक चिंपांजी है वो एक साल में एक एक या पांच या हर 5 साल में एक एक नवजात को जन्म देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो घट रही है, और हम ये जानते हैं कि ऊस्टर्ड से जो है चिंपांजी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो इस तरीके से एवोल्यूशन के स्केल पर भी इसको हम देख सकते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर ग्रोथ की हम बात करें तो हम देखते हैं कि अगर हम जब से एडी शुरू हुआ तब से बात करें, या 300 मिलियन साल पहले से बात करें, तो पहले एक धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, लेकिन एकदम से जो इंक्रीज आया वो तकरीबन 2.3 बिलियन, यानी कि 1947 में 2.3 बिलियन हो गई थी पॉपुलेशन। शुरुआत में जब 0 AD था वहां पर 300 मिलियन थी, और जब 1947 आया तो 2.3 बिलियन वहां पर पॉपुलेशन हो गई, और एकदम से इंक्रीज होना शुरू हुआ। ऐसा क्या हुआ 1947 में उसके आसपास कि पॉपुलेशन एकदम से पूरे ग्लोब की जो पॉपुलेशन है वो बढ़नी शुरू हो गई? तो अगर इसको हम थोड़े डिटेल में देखें तो हम देखते हैं कि पिछले 2000 सालों में, अगर हम अलग अलग एज क्लास में देख लें कि ओल्ड स्टोन एज से लेकर अभी तक की अगर हम देखें, जिसमें कि न्यू स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, फिर हमारी जो पॉपुलेशन है इनको देख लें, तो हम देखते हैं कि ये पॉपुलेशन एकदम से जो अभी मॉडर्न एज में आकर ही जो है ये भी बढ़ने शुरू हुई है। अगर हम इस पोर्शन को देखें कि यहाँ पर से बड़ी है, इसको जरा डिटेल में देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या है, तो हम देखते हैं कि जो आपने देखा होगा जो यहाँ पर डिप दिखाया है, पहले डिप आया उसके बाद एकदम से इंक्रीज होने शुरू हुई, तो डिप प्लेग या कोई एंडेमिक ऐसी चीजें थी जिसके कारण से एक डिप आया, नेचुरल जो बैरियर्स होते हैं उसके कारण एक डिप आया, और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई तो उस समय से फिर इंक्रीज होनी शुरू हुई, और जब ये कैरिंग कैपेसिटी के पास दोबारा पहुंचने लगा तो उसमें क्या हुआ, मेजर साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसेस हो गए और दोबारा से फिर पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। तो देखें हम कि बेसिकली यहाँ पर तीन जगह ऐसी आई जहां पर कैरिंग कैपेसिटी पहुंचते पहुंचते रुक गया। ब्लैक डेथ जहां पे लिखा हुआ है उससे ऊपर अगर आप देखें तो कैरिंग कैपेसिटी जैसा एक कर्व आपको मिल रहा है, लेकिन ये फिर से बढ़ने लग गया, तो वहां वो कैरिंग कैपेसिटी पहुंच गया था, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई तो इस कारण से वो फिर बढ़ने लगा। जब साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसेस नहीं आई थी तब वो दोबारा से एक कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंचने वाला था, लेकिन दोबारा से जब ये आ गई तो फिर से ये ग्रोथ कर्व क्या होने लग गए, ये बढ़ने लग गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो जे शेप और सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं इसको, जैसे एस शेप है तो इसमें सिग्मोइड में ग्रेजुअल ग्रोथ होती है, और रैपिड ग्रोथ किसमें होती है, जे शेप वाले कर्व में होती है। अगर हम पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं कि कौन से पर ईयर में हमारी कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो हम देखते हैं कि जो पर सेकेंड है वो तकरीबन 2.3 लोग पैदा हो जा रहे हैं, यानी 4.1 का बर्थ रेट एवरेज है ये पूरा, तो 4.1 बर्थ हो रहे हैं, 1.8 मर रहे हैं, यानी कि मरने वालों की मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम है, और जो नेटेलिटी रेट है, बर्थ रेट है, वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो टोटल ओवरऑल इंक्रीज है पॉपुलेशन में पर सेकेंड ग्लोब में वो 2.3 का है, और पर मिनट में तकरीबन 141 व्यक्ति लोग जुड़ जा रहे हैं, 1 घंटे में 8,434 लोग जुड़ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है अर्थ की वो भी बढ़ती जा रही है, और एक दिन ऐसा आएगा जब अर्थ भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच जाएगी, और उसके बाद कंपटीशन बढ़ेगा, उसके बाद
जो डिजीज हैं वो बढ़ जाएंगी, तो इस तरह के इल इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में। पिछले लेक्चर में पहले हमने इकोसिस्टम इकोलॉजी पढ़ा, फिर हम पॉपुलेशंस की बात करी। तो जब पॉपुलेशंस को मिलाते हैं तो वो कम्युनिटी बनता है, और कम्युनिटीज को मिलाते हैं तो इकोसिस्टम बनता है। इन तो पॉपुलेशन और इकोलॉजी के बीच में जो आती है वो कम्युनिटी होती है। अब हम इकोसिस्टम्स जानते हैं, पॉपुलेशन जानते हैं, अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कम्युनिटी जो होती है उसकी इकोलॉजी कैसी होती है।